Voyages of exploration by Europeans. The people of South America and the Caribbean got to know of the existence of European people when the latter began to sail across the Atlantic Sea. जो लोग थे साउथ अमेरिका के और कैरेबियन के, अब उन्हें जो है यूरोपियन लोगों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलने लगा जब वो लोग जो है अटलांटिक सी को क्रॉस करके वहां पर पहुंचे. द मैग्नेटिक कंपास विच हेल्प आइडेंटिफाई द कार्डिनल पॉइंट्स एक्यूरेटली हैड बीन नोन सिंस 1380, बट ओनली इन द 15th सेंचुरी डिड पीपल यूज इट व्हेन दे वेंचर्ड ऑन वॉयजेस इनटू अननोन एरियाज. ये जो मैग्नेटिक कंपास है जिससे हम एग्जैक्टली जो लोकेशन है उसका पता कर लेते हैं, ये कहने को तो 1380 से बन चुका था, लेकिन 15th सेंचुरी में जो है लोगों ने इसका इस्तेमाल किया जब वो ऐसे वॉयज पे, ऐसे सफर पे, जर्नी पर निकले जो बिल्कुल ही एक ऐसे इलाकों की थी जिनके बारे में वो जानते नहीं थे. By this time, many improvements have been made in the European sailing ships. पर अब तक जो हैं, जो यूरोप में जो ships थे, उनमें कई सारे improvements यानी बदलाव कर दिए गए थे. Larger ships were built that could carry a huge quantity of cargo as well as equipment to defend themselves if attacked by enemy ships. बहुत बड़े बड़े जो हैं जहाज बनाए जाते थे जो काफी सारा जो है सामान ले जा सके, साथ ही साथ उसमें जो है ऐसे हथियार रखे जाते थे ताकि अगर बाई चांस किसी दुश्मन शिप ने आक्रमण कर दिया है तो अपने आप की रक्षा कर सके. द सर्कुलेशन ऑफ ट्रैवल लिटरेचर एंड बुक्स ऑन कॉस्मोग्राफी एंड ज्योग्राफी क्रिएटेड वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट राइट थ्रू द 15th सेंचुरी. अब जिस तरीके से लोग एक दूसरे की जगहों पर ट्रैवल करते थे तो वहाँ जो वो लिखते होंगे उसका जो लिटरेचर है, जो बुक्स हैं कॉस्मोग्राफी पे या ज्योग्राफी पे, उससे जो है 15th सेंचुरी में एक तरह का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था. इन 1477 टोलमीज ज्योग्राफी बिकेम अवेलेबल इन प्रिंट एंड दस कैन केम टू बी वाइडली रेड. 1477 में पिटोलमी की जो ज्योग्राफी थी लगभग 1300 साल पहले जो लिखी गई थी अब वो प्रिंटिंग में अवेलेबल थी और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जा रहा था. अकॉर्डिंग टू पिटोलमी इन इजिप्शियन द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वर अरेंज इन टर्म्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. पिटोलमी के अनुसार जो कि एक इजिप्शियन थे उनके अनुसार जो दुनिया है उसमें जो इलाके हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से अरेंज हैं. Reading these texts gave Europeans some knowledge of the world, which they understood to have three continents, namely Europe, Asia and Africa. अब जब उन्होंने इस तरह के जो टेक्स्ट थे इनको पढ़ा यूरोपियंस ने, तब इन्हें जो है दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई और उससे उन्हें ये समझ में आया कि इसमें तीन कॉन्टिनेंट्स हैं, एक यूरोप है, एक एशिया है और एक अफ्रीका है. Ptolemy had suggested that the world was spherical, but he underestimated the width of the oceans. पिटोलमी ने यह तो बताया कि जो दुनिया है वो जो है एक तरह से गोल है, लेकिन उन्होंने जो है ओशियन कितने चौड़े हैं इस बारे में कुछ नहीं बताया. यूरोपियंस हैड नो आइडिया फॉर द डिस्टेंस दे वुड हैव टू ट्रैवल इन द अटलांटिक बिफोर दे रीच लैंड. अब यूरोपियंस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितना उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा समुद्र के अंदर यानी अटलांटिक के अंदर जब तक वो जमीन पर नहीं पहुँचते. सिंस दे इमेजिन इट वुड बी अ शॉर्ट वॉयज दे वर मेनी हु वर रेडी टू वेंचर फोर्थ रेकलेसली बियॉन्ड द नोन सीज. अब यहाँ वो एक तरफ इमेजिन करते थे कि एक छोटी सी जर्नी होगी, वहीं कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो आगे कदम रखना चाह रहे थे उन चीज़ों पे जिनके बारे में जो वो जानते भी नहीं थे. पीपल फ्रॉम द आइबेरियन पेनिनसुला द पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश वर द पायनियर्स इन द 15th सेंचुरी वॉयेज ऑफ एक्सप्लोरेशन. जो लोग आइबेरियन पेनिनसुला के थे खासतौर से पोर्तुगीज और स्पेनिश, इन्हें हम लीडर्स कह सकते हैं 15th सेंचुरी का जिन्होंने इस तरह की एक्सप्लोरिंग की सफर को तय किया. फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज वर कॉल्ड वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी. बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक कह सकते हैं कि इन्हें जो है एक तरह से जर्नी कहा गया जो खोज के लिए होती थी. लेटर हिस्टोरियंस हाउएवर आर्ग्यूड दैट दीज वर नॉट द फर्स्ट वॉयेजेस दैट पीपल ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मेड टू द लैंड्स अननोन टू देम. बाद में हिस्टोरियंस का ये बहस करनी शुरू कर दी कि ये जो इन लोगों ने सफर करी थी ये पहले सफर नहीं थे जो पुरानी दुनिया के लोगों ने किया था उन जगहों पे जहां वो जानते नहीं थे. अरब्स, चाइनीज एंड इंडियंस हैड नेविगेटेड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ओशियन एंड सेलर्स फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड्स हैड मेजर ओशियन क्रॉसिंग्स. हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो अरब्स थे, चाइनीज थे या जो इंडियंस थे, उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े महासागर जो है उनको क्रॉस किया था, सेल किया था पैसिफिक आइलैंड से, और वहां पर जो है जैसे कहना चाहिए पॉलिनेशियंस और माइक्रोनेशियन वो अपनी जो है एक तरह से दर्ज कराई कि उनने जो है पहले ओशंस को क्रॉस किया है. द वाइकिंग्स ऑफ नॉर्वे हैड रीच्ड नॉर्थ अमेरिका इन द 11th सेंचुरी. जो वाइकिंग्स थे नॉर्वे के वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे 11th सेंचुरी में.
Why were Spanish and Portuguese rulers in particular so receptive to the idea of funding a maritime quest? ये जो स्पेनिश और पोर्तुगीज राजा जो थे वो इतने ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड थे कि वो जो हैं जो समुद्री एक यात्रा है इसके जिज्ञासु थे कि उसको फंडिंग करते थे कि तुम जाओ और क्या कहते हैं ढूंढो कि नई नई जगहों पे क्या है. What produced such a passion for gold and treasure and for the glory and titles? किस वजह से क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनको जो है एक तरह से गोल्ड का खजाने का प्रेज का या एक औहदे पे जो उनको टाइटल मिलता है किसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद उन सब के लिए उनको इतना ज्यादा कहां से वो पैशन उत्पन्न हो रहा था. One may find the answers in the combination of three motives, economic, religious and politics. अब ये जो इसके जवाब हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं तीन मुख्य उद्देश्य थे जिसको कंबाइन करें तो हमें उनके आंसर्स मिल सकते हैं, इकोनॉमिकली, रिलीजियस उसमें और पॉलिटिकल. द यूरोपियन इकोनॉमी वेंट थ्रू अ डिक्लाइन फ्रॉम द मिड 14 टू द मिड 15 सेंचुरी. जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो एक तरह से अब नीचे की तरफ आ रही थी, ढलान हो रही थी उसकी, खत्म हो रही थी, उतनी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ रही थी. जैसे कहते हैं एक राइजिंग पीरियड होता है, एक डिक्लाइनिंग पीरियड होता है, तो जो यूरोपियन इकोनॉमी थी उसका एक डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था मिड 14 से मिड 15 सेंचुरी तक. प्लेग एंड वॉर्स लेड टू डीपॉपुलेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप. प्लेग हो गया, बीमारी फैल गई, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे थे यूरोप के जहां जनसंख्या कम होती जा रही थी. ट्रेड ग्रू स्लैक एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग यूरोपियन कॉइन्स. अब जो ट्रेड था, जब पॉपुलेशन ही कम रह जाएगी तो ट्रेड कैसे फ्लरिश करेगा, वो भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर थी अब उसकी कमी होनी शुरू हो गई. ऐसे में क्या हुआ, जो यूरोपियन कॉइन्स को बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर यूज किया जाता था वो भी अब कम होने लगा था. दिस सिचुएशन वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीसीडिंग पीरियड फ्रॉम 11 टू द मिड 14 सेंचुरी वेयर ग्रोइंग ट्रेड हैड सपोर्टेड इटालियन सिटी स्टेट्स एंड लेड टू द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल. एक तरह से कहा जाए कि ये जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो रही थी ये बिल्कुल ऑपोजिट थी उससे पहले के पीरियड से, 11 से 14 मिड 14 सेंचुरी तक, जब ये व्यापार जो है वो फल फूल रहा था, उसकी वजह से बहुत सारे इटालियन के जो सिटी स्टेट से उनको सपोर्ट मिल रहा था, उनको एक तरह से हेल्प मिल रही थी और साथ ही साथ जो एक पैसा होता है वो जमा हो रहा था या इकट्ठा हो रहा था. इन द लेट 14th सेंचुरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन एंड देन बिकम डिफिकल्ट आफ्टर द तुर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिपोल इन 1453. 14th सेंचुरी के एंड में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो जो है जो दूर देशों से व्यापार हो रहा था वो एक तरह से अब खत्म हो रहा था, कम हो रहा था और इसकी वजह से और कह सकते हैं और ज्यादा मुश्किल भरा हो गया था दूर देशों में व्यापार करना, क्योंकि तुर्क जो थे उन्होंने अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसे 1453 में एक बार उस पर कब्जा कर लिया था. इटालियंस मैनेज टू डू बिजनेस विद तुर्क बट वर नाउ रिक्वायर्ड टू पे हायर टैक्सेस ऑन ट्रेड. अब इटालियंस जो है किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे कि वो बिजनेस कर लें तुर्क के साथ, लेकिन उनको जो है अब टैक्सेस जो है वो ज्यादा देने पड़ रहे थे व्यापार करने के लिए. द पॉसिबिलिटी एज इट पॉसिबिलिटी दैट मेनी मोर पीपल कुड बी ब्रॉट इन टू द फोल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी made many devout Christian Europeans ready to face adventure. अब ये जो possibility हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो Christianity में लाए जाएं, तो उससे क्या हुआ जो Christian Europeans थे अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो पूरी तरह से तैयार थे कि वो जो हैं एक adventure को face कर सकें, यानी उनको thrill को face करने का time आ गया था. As it happened, the Crusades against the Turks began as a religious war, but they increased Europe's trade with Asia and created a taste for the products of Asia, especially spices. अब जैसे ही ये हुआ तो जो एक वॉर होती है तुर्क्स के अगेंस्ट वो शुरू हो गई एज अ रिलीजियस वॉर, यानी धार्मिक वॉर जो है वो शुरू हो गई थी. लेकिन इससे क्या हुआ, जो यूरोप का ट्रेड था एशिया के साथ वो बढ़ गया और उससे जो एशिया की प्रोडक्ट्स थी खासतौर पर जो मसाले थे उसका टेस्ट जो है वो डेवलप होने शुरू हो गया. If trade could be followed by political control, with European countries establishing colonies in some regions with a warmer climate, they would benefit further. अब अगर ये जो trade था, इसको एक तरह से राजनीतिक control के तौर पे भी जो है, अगर follow किया जाए, तो जो European countries थी, अब उन्होंने क्या किया? उन इलाकों में अपनी colonies बनानी शुरू कर दी, जहाँ पर climate जो है, वो थोड़ा सा गर्म था, और उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, उनको ज़्यादा फायदेमंद था. When thinking of new regions where gold and spices might be found, one possibility was West Africa, where Europeans had not traded directly so far.
जब भी नए इलाकों के बारे में सोच रहे थे जहां पर गोल्ड मिल सकता है या मसाले मिल सकते हैं, वहां एक पॉसिबिलिटी थी वेस्ट अफ्रीका की, जहां पर यूरोपियंस ने अभी तक डायरेक्टली जो है कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी थी। पोर्तुगल, अ स्मॉल कंट्री विच हैड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन सिंस 1139 एंड विच हैड डेवलप्ड फिशिंग एंड सेलिंग स्किल्स टुक द लीड। जो पोर्तुगल थी, पोर्तुगल एक छोटी सी कंट्री थी, पर उसने अपनी आजादी जो है स्पेन से हासिल कर ली थी 1139 में, और उसने अपनी ही जो है फिशिंग और सेलिंग स्किल्स जो है, यानी जो समुद्र में तैरने की है, जहाज चलाने की है, या जो मछलियां पकड़ने की जो उनकी कला थी, उसको इतना डेवलप कर लिया था जिससे वो जो है आगे बढ़ गए। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल ऑर्गेनाइज द कोस्टिंग ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड अटैक्ड क्रेटा इन 1415। अब प्रिंस हेनरी जो पोर्तुगल थे, उन्होंने जो है वेस्ट अफ्रीका के लिए जैसे कि कोशिश करी कि हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे उस एरिया को, और क्रेटा पे अटैक कर दिया उन्होंने 1450 पे। आफ्टर दैट मोर एक्सपीडिशंस वर ऑर्गेनाइज एंड द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग स्टेशन इन केप बोजाडोर इन अफ्रीका। अब और ज्यादा जो है फिर एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करे जाने शुरू हो गए, और पोर्तुगीज ने जो है अपना एक तरह से ट्रेडिंग स्टेशन यानी व्यापार का जो एक जंक्शन होता है वो बना लिया केप बोजाडोर में अफ्रीका के अंदर। Africans were captured and enslaved and gold dust yielded the precious metal. अब Africans जो है उनको पकड़ा जाने लग गया, गुलाम जो बनाया जाने लग गया, और gold dust जो है उससे वो जो metal था, कीमती metal, उसको निकाला जाना शुरू हो गया। In Spain, economic reasons encouraged individuals to become knights of the ocean. अब Spain में क्या हो रहा था, पैसे की वजह से यानी आर्थिक उसकी स्थिति की वजह से individuals जो है वो एक तरह से ocean में लड़ाई करने के लिए तैयार होने लग गए थे। The memory of the Crusades and the success of the Reconquista fanned private ambitions and gave rise to contracts known as Capitulicones. ये जो memory थी Crusades की, यानी ये जो समुद्र में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो, और जो success हुई Reconquista, Reconquista जो एक military reconquest थी Iberian Peninsula की Christian kings द्वारा Arab से 1492 में। उन्होंने क्या किया, प्राइवेट एम्बिशंस को जो है, एक प्राइवेट जो पैशन होता है उसको जो है हवा देनी शुरू कर दी, और यही साथ में राइज हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिनको बोलते हैं कैपिट्यू लैक्विनोनियोस। अंडर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स द स्पेनिश रूलर क्लेम्ड द राइट ऑफ सोवरेनिटी ओवर न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड गेव रिवॉर्ड्स टू लीडर्स ऑफ एक्सपेडिशंस इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स एंड द राइट टू गवर्न द कॉन्कर्ड आइलैंड्स। इन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो स्पेनिश रूलर थे, अब उन्होंने जो है अपना अधिकार बताया सोवरेनिटी का, जो नई नई बिल्कुल जीती हुई टेरिटरीज थी उन पर, साथ ही साथ रिवॉर्ड दिए उन लीडर्स को जिन्होंने जो है ये एक्सपेडिशंस किए थे, उनको टाइटल्स की फॉर्म में उनको रिवॉर्ड्स दिए, साथ ही साथ उनको अधिकार दिया कि वो ये जो नई जीती हुई लैंड्स है इन पर एक तरह से रूल कर सकें।